नमस्कार साथियों, एक दिन पूर्व ही कक्षा 9 और कक्षा 11 के परीक्षा परिणाम के संबंध में दिशा निर्देश राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें कुछ संशोधन अब कर दिया गया। आपको बता दें, एक दिन पूर्व कक्षा उन्नति के लिए जो प्रमाण पत्र का प्रारूप जारी किया गया था, आप देख सकते हैं, इस प्रारूप में आज राज्य सरकार के द्वारा कुछ संशोधन किया गया है। अब आपको इस प्रकार का प्रारूप नहीं देना है। आप देख सकते हैं, डायरेक्टर के ऑर्डर आ चुके हैं इस संबंध में, और अब इस प्रमाण पत्र में कुछ संशोधन कर दिया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, साथ ही यह भी जानने का प्रयास करें कि अब जो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा उसमें आपको कौन कौन से संशोधन करने हैं। देखिए साथियों, आप देख सकते हैं, एक दिन पूर्व जो प्रमाण पत्र जारी हुआ था उसमें एक लाइन थी, और जिसमें डायरेक्टर बीकानेर के ऑर्डर का हवाला भी दिया गया था। लेकिन अब जो नया प्रारूप जारी किया गया है उसमें आप देख सकते हैं, उस नए प्रारूप में डायरेक्टर के ये ऑर्डर हैं जो 10 अप्रैल से कक्षा 9 और 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के कक्षा क्रमोन्नति आदेश के साथ संलग्न कक्षा क्रमोन्नति प्रमाण पत्र के प्रारूप को प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जारी प्रमाण पत्र से समरूपता के लिए पूर्व में जारी किए गए प्रमाण पत्र के प्रारूप के स्थान पर अब ये नया प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित किया जाए। डायरेक्टर का ये ऑर्डर है, जिसमें एलिमेंट्री के अंतर्गत जो जारी किया गया था प्रारूप, वो साथियों अब ये प्रारूप आपको जारी करना है। देख सकते हैं, पूर्व में जो डायरेक्टर का ऑर्डर का हवाला दिया गया था प्रमाण पत्र में साथियों, वो अब नहीं देना है। इसके अलावा कुछ और आसिंक संशोधन किया गया, आप देख सकते हैं। अब स्कॉलर रजिस्टर संख्या SR नंबर ऊपर दिखानी है, सत्र यहाँ पर रखना है, और अब केवल छात्र का नाम, इसके बाद में पूर्व के प्रमाण पत्र में पिता का नाम था, अब माता का नाम पहले देना है और फिर पिता का नाम देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आएगी और विद्यालय का नाम, बस। इसके अलावा अब नए प्रमाण पत्र में आपको कुछ भी हवाला नहीं देना है। ये प्रारूप है, इसकी PDF आप यदि लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं, हम वहाँ पर इसकी PDF को सेंड कर देंगे। आप देख सकते हैं, ये पुराने वाला प्रमाण पत्र है जो एक दिन पूर्व जारी किया गया था, जिसमें पहले पिता का नाम था फिर माता का नाम था। SR नंबर भी अब इन ऊपर दिया गया, पहले नीचे दिया गया था, और इसी के साथ ये डायरेक्टर का ऑर्डर का जो हवाला है ये भी अब हटा दिया गया है। इसी के साथ में विद्यालय का नाम जो ऊपर था इसको भी हटा दिया। कहने का अर्थ ये है कि नए प्रारूप में अब काफ़ी कुछ फेरबदल किया गया है और आपको इसी प्रकार का प्रारूप देना है। साथियों, शिक्षा से जुड़ी हुई प्रत्येक खबर हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आने का प्रयास करते हैं, इसलिए शाला दर्पण, पे मैनेजर और स्कूल से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट सूचना आप तक लगातार पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही, नमस्कार।